वैसे अभी आपके घर के पुरुष कोई यहाँ पर है नहीं, आज इतने दिन हो चुके हैं, तो आपके घर में खाना पीना आप कैसे करते हो? पूरा अनाज हमने रोजा रखा, काली चाय पी थी हमको, डेयरी वालों ने दूध नहीं दिया इनको, मियां भाई को दूध नहीं देने का, हमारा सब डेयरी है ने उसमें इन्होंने दूध नहीं दिया, डेयरी वाले बोल रहे हैं कि इनको दूध नहीं देने का, तो हमने काली चाय पे उकाले पे हमने रोजा रखा है मुसलमानों से। हाँ, इतना हमारे ऊपर इन्होंने वो करा है। ये जयसापुर में केबिन तोड़े ने इनका भी पूरा बंदोबस्त था, नहीं इन्होंने ऐसी रिसी तोड़े की 6:30 बजे घर में घुस गए थे और औरतों पर इतना ज्यादा वो कर रहे थे टॉर्चर, वो कहाँ है इतना टॉर्चर, हमेशा ऐसा पुलिस का टॉर्चर चलता है। सुबह के 6:30 बजे नमाज पढ़ रहे थे, घर खोल खोल के सब भी पुलिस घुस गई थी, ले जाते मीडिया वाले ले जाते, पर अपना तो कुछ दिखाते नहीं, इनका सब दिखाते, इनका सब एक तरफी चल रहा है, हमारा तो कुछ चल ही नहीं रहा है। ऐसा तो गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, गोदी मीडिया यहाँ पर आता है इंटरव्यू लेता है लेकिन दिखाता नहीं, हमारे यहाँ पे कोई नहीं आता इंटरव्यू लेने। क्या कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे फटक के डर गए, इन्हें खुली खुली गालियाँ देते थे, न पटलो ना उतार उतार के औरतों को यूं कहते ले आ जा आ जा, ऐसा कहते थे खुली खुली, वो जुलम ने सितम करा। ये जो कर रहे थे पटलू ने उतार के जो भगवतारी गुंडागर्दी, तब पुलिस थी उस वक्त वहाँ पर? उस वक्त पुलिस उनके साथ थी, पुलिस उनके साथ थी, पर उनका साथ देते ली, मुसलमानों का साथ नहीं देती। नहीं बरकातो, मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र का सेक्रेटरी। जैसा कि आपको मालूम है, पहली तारीख नाजायज़ बाप की नाजायज़ औलाद गुस्ताख रसूल वसीम रिजवी की जो पहली तारीख हमारी 13 अप्रैल की थी, और उसके बाद दूसरी तारीख जो है हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो दूसरी तारीख थी 20 अप्रैल की, और अभी मैसेज के जरिए मालूम पड़ा कि हमारी जो तीसरी तारीख गिरने वाली है वो 27 अप्रैल की। आखिर क्यों हमारा केस इतना डिले हो रहा है और आखिर क्या वजह है गुस्ताख रसूल बच रहा है, वो तो अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, मगर हमारी और हमारी पूरी कमेटी की, हमारी कमेटी मेंबरों की पूरी पुरजोर कोशिश ये है कि किसी भी तरह हम गुस्ताख रसूल को सजा दिला सके। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि जिस जिस जगहों पे गुस्ताख रसूल वसीम रिजवी के खिलाफ एलिगेशन लोगों ने दिया था, जब नाजायज़ बाप की नाजायज़ औलाद ने जो है अल्लाह उसके रसूल की शान में तोहीन की थी। और दूसरी खुशखबरी ये है कि दूसरा हरामी कुत्ता टकला यति नरसिंहानंद स्वामी, एक बेनिफिट इस केस में ये हुआ कि हमने एक ही के ऊपर कार्रवाई शुरू करी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, मगर अल्लाह का शुक्र है हमें जब ये पेपर मिला, जिस तरह आप ये पेपर देख रहे हैं, इस पेपर में बाकायदा क्लियरली लिखा हुआ है यति नरसिंहानंद स्वामी एंड वसीम रिजवी, जो आप ये पेपर स्क्रीन में देख रहे हैं। तो इसमें बेनिफिट की बात ये, हमारा काम हो सकता लेट हो या डिले हो या काम हमारा थोड़ा लेट चले, मगर अल्लाह का शुक्र है जब भी यति नरसिंहानंद स्वामी जेल में जाएगा उसके बाप साथ में, उसका बाप नाजायज़ बाप की नाजायज़ औलाद का बाप जो है यति नरसिंहानंद स्वामी भी जेल में जाएगा। और आपको मैसेज के जरिए, व्हाट्सअप के जरिए, फेसबुक के जरिए मैं जो भी यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम चल रहा है हर डिटेल में आपको देता रहता हूँ। और ये रमज़ान का महीना चल रहा है, मैं मेरी हकीकत बताऊँ कि जब से यति नरसिंहानंद स्वामी ने हुजूर की गुस्ताखी किया है तो तकरीबन 1-1.5 साल मैंने कभी सहरी किया कभी नहीं किया और मुसलसल रोज़ा रखा, मगर इस वक्त फर्स्ट फ्लोर से गिरने के जैसे, सीढ़ी से गिरने के जैसे मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि इस रमज़ान में मैं एक भी रोज़ा नहीं रख सका और मेरी तबीयत मुसलसल ख़राब है। तो आप तमाम ही लोग जो भी इस वीडियो को, न्यूज़ को देखेंगे, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, मेरी और मेरी सेहत के लिए और मेरी कमेटी के मेम्बरों के लिए दुआ करें। और दूसरी बात यह है कि जल्द से जल्द तकरीबन इससे पहले या ईद के बाद नाजायज़ बाप की नाजायज़ औलाद सुबर गुस्ताख के रसूल जो है गिरफ़्तार होगा और अगली हमारी कार्रवाई जो आप देख रहे, मध्य प्रदेश में घर तोड़े गए, जय श्री राम के नारे लगाए गए और गुजरात में खंबात में मुसलमानों को मारा गया, जगह जगह पे तकलीफ दी गई, ऐसे ही बॉम्बे में मानकुर में ये मामला हुआ। तो मेरी पूरी कोशिश है, हमारी कमेटी की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल करेंगे कि अगर हिंदू के भगवान जो जय श्री राम है उसके नाम पे अगर हिंदू जमात कुछ करना चाहती, हिंदू कमेटी कुछ करना चाहती, तो भगवान श्री राम के नाम पे हिंदुस्तान में कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, ना ही कि भगवान श्री राम के नाम पे मुसलमानों की जान लें। हमने हमारे अल्लाह वालों को, हमारे पैगंबर को, हम कुरान को माने, हमने अल्लाह को माने, मगर कभी भी पूरे हिंदुस्तान में 70 साल का अगर इतिहास देखे तो कहीं भी हमने अल्लाह रसूल के नाम पर कभी किसी को एक तमाचा भी नहीं मारा, ना हम मारते, मगर हमें इतना मजबूर मत करो कि हमें कानून का सहारा लेना पड़े और आप पे हमको कानून कार्रवाई करना पड़े। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों,
जो भी सरकारी पेपर होगा मैं व्हाट्सएप के ज़रिए आपको बताता रहूँगा। और दुआ करें इस रमज़ान मुबारक के महीने में कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी तबीयत ठीक करे और गुस्सा के रसूल को सज़ा दिलाने में मुझे कामयाब करे। दूसरी और आखिरी बात यह है कि जिस दिन भी वसीम रिजवी का अरेस्ट वारंट निकलेगा, जिस दिन भी यति नरसिंहानंद स्वामी गुस्सा के रसूल गिरफ़्तार होगा, उस दिन 3 जगह का मेरा सफ़र रुका हुआ है। पहला सफ़र जो मैंने ताजुद्दीन औलिया नागपुर से किया था, अजमेर शरीफ जाने के लिए 900 किलोमीटर का मेरा सफ़र था, मगर कुछ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की वजह से मुझे सफ़र जो है मध्य प्रदेश में एक गांव है, उस गांव का नाम जो है बतूल, और बतूल तक आने के बाद मैंने मेरा मध्य प्रदेश में सफ़र रोक दिया था। या तो वहाँ से दूसरा सफ़र मेरा बॉम्बे से मैंने अजमेर शरीफ के लिए शुरू किया था, जब मैं अहमदाबाद तक पहुंचा था तब तक नाजायज़ बाप की नाजायज़ औलाद गुस्ताख के रसूल वसीम रिजवी ने किताब लिखा, उस किताब पे कार्रवाई करने के लिए, कानूनन कार्रवाई करने के लिए उस सफ़र को भी मैंने अहमदाबाद में रोक लिया था। तीसरा सफ़र जो हैदराबाद में मेरा, हैदराबाद में एक दरगाह है यूसुफ़ैन शरीफ़ैन, वहाँ से बंदा नवाज सरकार की बारगाह में पैदल जाने वाला था 210 किलोमीटर या गालिबन 228 किलोमीटर, वो सफ़र भी मेरे रुक गए। तो ऐसे 3 सफ़र जो है पैदल नामों से रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए रुके हुए। जिस दिन भी नाजायज़ बाप की नाजायज़ औलाद गिरफ़्तार होगा, मैं अल्लाह उसके रसूल की कसम खाता हूँ कि किसी न किसी एक शहर से नामों से रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मैं ये सफ़र करूँगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट बॉक्स में भी लिखे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो हम दुनियादार की न्यूज़ बहुत शेयर करते, ये नामों से रिसालत की न्यूज़ है और ये चैनल नामों से रिसालत के लिए बना हुआ है, ना ही ये चैनल दुआ तावीज़ और मगफ़िरत के लिए बना हुआ है। आज हज़ारों चैनलों पे हज़ारों बयानों में बताया जाता है कि मगफ़िरत कैसे होगी, ये दुआ पढ़िए वो दुआ पढ़िए, मगर हमारा चैनल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के लिए बना हुआ है। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंशाल्लाह इस काम में हमको कामयाबी मिलेगी। तो जो पूरे हिंदुस्तान में अजान का मसला फैला हुआ है, जो पूरे हिंदुस्तान में पूरी पूरी कोशिश करी जा रही है कि मस्जिदों से स्पीकर निकाला जाए, जगह जगह पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पूरी कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की। और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट से भी काम नहीं होगा हमारा, तो अल्लाह अगर चाहेगा अपने हबीब के सदक़े में हम वर्ल्ड कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे कि हिंदुस्तान में एक समुदाय को, मुसलमान को, अल्पसंख्यक को अल्लाह रसूल के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर हमको मारा जा रहा है, हमारे ही घरों के पास से रैली निकाली जा रही और हमारा ही घर डेमोलिशन किया जा रहा है, हमारे घरों पर पत्थर मारे जा रहे और हमारे घर के बच्चों को, नौजवानों को जेलों में दाना जा रहा है। मेरी आपसे अदम गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ही बरकत। मैं गुलाम में राजा हिंद है वतन मेरा, मैं गुलाम में राजा हिंद है वतन मेरा, नात मुस्तफा की है और है दहन मेरा, मुस्तफा के जलवे है और है ये मन मेरा। खाक हो मदीने की काश पैरहन मेरा, उनकी जाम जम आके शीशे बदन मेरा, उनकी बंद मोती में, उनके बंद मोती में सारा बाकपन मेरा, सारा बाकपन मेरा, सारा बाकपन मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ हिंद है वतन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ हिंद है वतन मेरा। ओह वादिया मेरी शहर और बन मेरा, फूल पत्तिया बुलो चमन मेरा, पूरा बोर पश्चिम भी उतरो दकन मेरा, अर्ज गम भी मेरी है खिताए चमन मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ
वतन मेरा, हिंद है वतन मेरा, हिंद है वतन मेरा, टुकड़े उनके खाता हूँ, भक्त का धनी हूँ मैं, दोनों हाथ खाली है पर बड़ा गनी हूँ मैं, नाज है मुझे खुद पर उनका उम्मती हूँ मैं, आशिके नबी हूँ मैं, खादिमे अली हूँ मैं, मैला हो न पाएगा, मैला हो न पाएगा, अशर तक कफन मेरा, अशर तक कफन मेरा, अशर तक कफन मेरा, कंकरों से मुट्ठी में अपना कलमा पढ़वाया, पेड़ हुक्म पाते ही कदमों में चला आया, के इशारे से आफताब पलटाया, अर्श से परे जाकर मुस्तफा ने बतलाया, ये जमीन भी मेरी है, ये जमीन भी मेरी है, और है गगन मेरा, और है गगन मेरा, और है गगन मेरा, दिल की सुखन मेरा, आपकी इनायत है, मैं गदा हूँ चौखट का, ये बड़ी सादत है, नज़्म तेरे कदमों में खाक सार रहमत है, गुलशन मदीना से नज़्म मुझको निस्बत है, एक एक कली मेरे, एक एक कली मेरे, गुल मेरा चमन मेरा, गुल मेरा चमन मेरा, गुल मेरा चमन मेरा।